हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर हेल्दी एंड वेलकम सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं सर अभिषेक कुमार, आई एम योर वाला द मेंटर। तो टुडे आई विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट इंटर्नशिप चैप्टर ऑफ द 11th एनसीईआरटी, दैट इज द बायो मॉलिक्यूल। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी डिटेल डिस्कस अबाउट बायो मॉलिक्यूल। तो आई होप यू ऑल एंजॉय दिस वीडियो। सो इफ यू लाइक माय वीडियो सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर माय वीडियो विद फ्रेंड। एंड इफ यू वांट टू जॉइन माय सोशल मीडिया हैंडल सो आई प्रोवाइड अ लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड व्हाट्सएप चैनल माय चैनल। तो प्लीज गो थ्रू व्हाट्सएप चैनल माय चैनल एंड क्लिक द सोशल मीडिया आइकन एंड जॉइन विद अस। So I hope you really appreciate me. So watch the video and keep support. Hello friends. So start today's topic. So today's topic is nature of bond linking monomer in a polymer. It means how to monomer link through bond in polymer. So each and everything we discuss in this particular video. So I hope you all enjoy this video. So first we did was written in NCERT textbook. After that we read each and everything with simple and easy words. So let's begin without wasting any time. So now topic is नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर इन ए पॉलीमर। सो चलिए देखते हैं टेस्ट में क्या लिखा गया है। इन ए पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड क्या होता है हमने आपको बताया था। पॉली का मतलब होता है बहुत, पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब होता है बहुत। कोई चीज वो एक से मिलकर ना बनी हो तो इसका मतलब होता है बहुत, ठीक है, एक से ज्यादा, ठीक है। पॉली का मतलब हुआ बहुत। पेप्टाइड का मतलब पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ पे पाया जाता है, प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। अमीनो एसिड जो लिंक होते हैं, अमीनो एसिड लिंकिंग करके प्रोटीन बनाते हैं, तो उनके बीच में जो बॉन्डिंग पाई जाएगी वो कैसी होती है, कौन से बॉन्ड होते हैं इसमें, पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। तो यानी इसमें यही बताया गया है इन ए पॉलीपेप्टाइड और ए प्रोटीन, है ना, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन में अमीनो एसिड आर लिंक बाई पेप्टाइड बॉन्ड। तो उसमें क्या होता है, प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड में क्या होते हैं, जो अमीनो एसिड होते हैं वो किस थ्रू बॉन्ड के थ्रू लिंक होते हैं, अमीनो एसिड आर लिंक बाई पेप्टाइड बॉन्ड, है ना। ये हम याद रखेंगे कि जो प्रोटीन में बॉन्डिंग होती है उसमें कौन से पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, है ना, वो डिपेंड करता है उसके स्ट्रक्चर पर, प्राइमरी स्ट्रक्चर पर। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होगा उसका लीनियर होगा, है ना, एक लाइन के रूप में होगा, तो उसमें पेप्टाइड बॉन्ड अकेले पाए जाएंगे। बाकी पेप्टाइड बॉन्ड तो सारे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में पाए जाएंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टनरी, सभी में पाए जाएंगे। उसके अलावा एडिशनल आ जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा, है ना, डाइसल्फाइड लिंकेज आ जाएंगी, वो डिपेंड करता है उसके स्ट्रक्चर पर, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि इन्हें पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन अमीनो एसिड लिंक बाई ए पेप्टाइड बॉन्ड, है ना। पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन में क्या होता है, अमीनो एसिड जो होते हैं लिंक होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू लिंक होते हैं। आगे क्या है, विच इज फॉर्म वेन द कार्बोक्सिल, है ना, क्या बताया, विच इज फॉर्म वेन द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड रिएक्ट विद अमीनो एसिड ग्रुप ऑफ द नेक्स्ट अमीनो एसिड विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मोटी द प्रोसेस कॉल डिहाइड्रेशन, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से लिंक होता है तो कैसे लिंक होता है, एक अमीनो एसिड का जो होगा कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, ये जो ग्रुप होता है कैसा होता है, एसिडिक ग्रुप होता है, एसिड होता है, एसिडिक ग्रुप कहता है, एसिडिक ग्रुप है, कैसा है, एसिडिक ग्रुप है, है ना। और अमीनो एसिड जो है कैसा ग्रुप है, बेसिक ग्रुप है, है ना, अमीन बेसिक ग्रुप है, है ना, कैसा ग्रुप है, वो बेसिक ग्रुप है। तो इसमें क्या, जब एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप से, है ना, कैसे ग्रुप से, अमीनो ग्रुप यानी NH2 ग्रुप से लिंक होता है, रिएक्ट करता है, यानी रिएक्शन करता है, क्या करता है, रिएक्शन करता है, तो क्या बनता है, वाटर ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वाटर, यानी इसमें क्या होगा, वाटर निकलेगा, क्या निकलेगा, पानी निकलेगा, है ना, पानी निकलेगा, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मोटी। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि पानी का निकलना, जैसे हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती तो हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन हो गया, है ना, डिहाइड्रेशन हो गया। तो उसी तरह कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो वहाँ पर क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, यानी वाटर जरूर निकलेगा, कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो यानी क्या हुआ, एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप, यानी कार्बोक्सिल ग्रुप COOH ग्रुप, ठीक है, एक अमीनो एसिड का COOH ग्रुप, और क्या हुआ, दूसरे अमीनो एसिड का NH2 ग्रुप जब रिएक्ट करते हैं, NH2 ग्रुप जब रिएक्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, वाटर निकलता है, यानी वाटर एलिमिनेशन होता है, है ना। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन बोलते हैं, वाटर का निकलना डिहाइड्रेशन होता है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, इन ए पॉलीसेक्राइड, है ना, पॉलीसेक्राइड में क्या होता है, पॉलीसेक्राइड का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया पॉली का मतलब होता है बहुत, सेक्राइड का मतलब होता है, यहाँ वर्ड एक हमने देखा होगा सैक्रीन, सैक्रीन इज सिंथेटिक शुगर, है ना, बहुत स्वीट होती है, स्वीटेस्ट शुगर होती है। तो उसी तरह से हम इसमें लिंक कर लेंगे कि जो पॉलीसेक्राइड होता है ये, मतलब यहाँ पर बात हो रही है किसकी, शुगर की, शुगर की बात हो रही है। और हमारे जो ग्लूकोज होते हैं ये क्या है, ये भी हमारा कैसा है, शुगर है, ग्लूकोज क्या है, शुगर है, ग्लूकोज क्या है, शुगर है। तो इसमें क्या होते हैं, जो इसमें जो
मोनोसेक्राइड जो होते हैं पॉलीसेक्राइड, मोनोसेक्राइड से ही मिलकर पॉलीसेक्राइड बनेगा। तो जो पॉलीसेक्राइड में मोनोसेक्राइड लिंक होते हैं वो किसके थ्रू लिंक होते हैं, वो लिंक होते हैं ग्लाइकोसिडिक, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू लिंक होते हैं। ये याद रखेंगे कि जो पॉलीसेक्राइड होते हैं उनमें कौन सी बॉन्डिंग होती है, उसमें कौन सी बॉन्डिंग होती है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग होती है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड की लिंकिंग कहाँ पे होती है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की लिंकिंग कहाँ पे होती है, सारी की सारी चीज़ें पूछा जाता है ना। तो हम याद रखेंगे प्रोटीन में जो होती है पेप्टाइड बॉन्ड की लिंकिंग होती है, और डिपेंड करता है उसके स्ट्रक्चर पे और एडिशनल बॉन्डिंग आती है। बट इसमें जो पॉलीसेक्राइड होते हैं इनमें प्रत्येक मोनोसेक्राइड मिलकर पॉलीसेक्राइड बनाएगा तो उसमें लिंकिंग क्या होगी, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू लिंक होंगे। ठीक है, दिस बॉन्ड इज ऑल्सो फॉर्म बाई डिहाइड्रेशन। मैंने आपको बताया कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, कोई भी बॉन्ड होगा, रिएक्शन होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो उसमें क्या होगा, डिहाइड्रेशन यानी H2O क्या होगा, इलिमिनेट होगा, H2O इलिमिनेट होगा, पानी निकलेगा उसमें। ठीक है, पानी निकलेगा, याद रखेंगे हम लोग। ठीक है, दिस बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू कार्बन एटम ऑफ एडजेसेंट मोनोसैकेराइड, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो बॉन्ड होता है, ये जो बॉन्ड बनेंगे कैसे बनेंगे, द फॉर्म ऑफ बिटवीन टू कार्बन एटम टू एडजेसेंट मोनोसैकेराइड, यानी दो मोनोसैकेराइड के एडजेसेंट का मतलब होता है अगल बगल वाले, क्या होता है, अगल बगल वाले, एडजेसेंट मोनोसैकेराइड का मतलब होता है अगल बगल वाले, अगल बगल वाले। ठीक है, यानी पड़ोसी, जो दो पड़ोसी मोनोसैकेराइड के कार्बन होंगे उनके बीच में ये बॉन्ड बनेगा। ठीक है, याद रखेंगे। आगे क्या है, इन ए न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, जो डीएनए और आरएनए हैं हमारे, क्या है ये डीएनए और आरएनए हैं, ये क्या है हमारे न्यूक्लिक एसिड हैं। ये वर्क एट जेनेटिक मटेरियल, है ना, जेनेटिक मटेरियल के तरीके काम करते हैं। डीएनए जो होता है उसमें 99% जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए होता है, है ना। कुछ वायरसों में एक्सेप्शन है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, बट जो हमारा डीएनए बना है वो आरएनए से ही बना है केमिकल मॉडिफिकेशन के थ्रू। ठीक है, बट हमारा जो डीएनए है ये मोस्ट अबंडेंट जेनेटिक मटेरियल है, ज़्यादातर में पाया जाता है। ठीक है, क्या है, इन ए न्यूक्लिक एसिड फॉस्फेट मोटी लिंक द 3-carbon ऑफ 1-sugar ऑफ न्यूक्लियोटाइड टू 5-carbon ऑफ sugar ऑफ द सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड। तो इसका मतलब यही हुआ, सीधा सा सिंपल मतलब मैं आपको बताता हूँ कि जो न्यूक्लियोटाइड में, सॉरी, जो न्यूक्लिक एसिड में, न्यूक्लिक एसिड में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, 5-to-3 लिंकिंग होगी, क्या होगी, 5-to-3 लिंकिंग होगी न्यूक्लिक एसिड में। ठीक है, इसमें यही बताया गया, इन ए न्यूक्लिक एसिड फॉस्फेट मोटी फॉस्फेट ग्रुप वाला लिंक 3-carbon ऑफ 1-sugar ऑफ 1-nucleotide टू 5-carbon ऑफ sugar टू सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड, है ना। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो न्यूक्लिक एसिड होगा इसमें लिंकिंग कैसी होगी, 5-to-3 होगी, और इसमें क्या होगा कि सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड, ये फिर मतलब आगे के जितने न्यूक्लियोटाइड हैं उसमें इसी तरह का लिंकिंग देखा जाएगा। ठीक है, क्या है, द बॉन्ड बिटवीन द फॉस्फेट एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, द बॉन्ड बिटवीन फॉस्फेट एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ सुगर इज एन ईस्टर बॉन्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप समझे, इसका मतलब ये है कि जो बॉन्ड बनता है फॉस्फेट ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड बनता है, जो सुगर के फॉस्फेट ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच बॉन्ड बनेगा तो वो कौन सा बॉन्ड होगा, ईस्टर बॉन्ड होगा। ये याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं हमसे क्वेश्चन कि ईस्टर बॉन्ड कहाँ पर बनता है, तो हम क्या बोलेंगे, बिटवीन द फॉस्फेट एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ सुगर के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, यानी फॉस्फेट ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड बनेगा सुगर में, वो क्या होगा, ईस्टर बॉन्ड होगा। ठीक है, आगे क्या है, एज देयर इज वन सच ईस्टर बॉन्ड ऑन आइदर साइड इज कॉल्ड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो यानी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्यों बोला, कि दोनों तरफ एक एक ईस्टर बॉन्ड होता है, इसलिए उसको क्या बोला, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फो मतलब फॉस्फो, ईस्टर डाई मतलब दो, है ना, डाई का मतलब क्या होता है, दो होता है, यानी दो बॉन्ड, दो ईस्टर बॉन्ड पाए जाएंगे, इसलिए उसको क्या बोला, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोला। ये हमको फिगर 9.5 में दिखाया गया, मैं आपको फिगर बाद में दिखाऊंगा, पहले टेस्ट में देखते हैं क्या लिखा गया है। आगे क्या है, न्यूक्लिक एसिड एग्जिबिट ए वाइड वैरायटी ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो क्या, वाइड वैरायटी ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अपने सेकेंडरी स्ट्रक्चर को एग्जिबिट करता है, यानी अपने सेकेंडरी स्ट्रक्चर को वो दर्शाता है, है ना। एग्जिबिट का मतलब होता है दर्शाना या दिखाना, दर्शाना मतलब दिखाना, अपने वो न्यूक्लिक एसिड जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर
वो दिखाता है कौन सा सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, आगे देखते हैं हम लोग, है ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमको क्या बताया गया है, वन ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर एग्जिबिटेड बाई डीएनए, जो एक इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, वन ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर एग्जिबिटेड बाई डीएनए इज द फेमस वाटसन क्रिक मॉडल। जो वाटसन और क्रिक सामने इसकी डीएनए का मॉडल दिया था, वो डीएनए का कौन सा मॉडल दिया था, वो बी डीएनए का था। कौन सा डीएनए था, बी डीएनए था। मैं आपको बताता हूँ वो डीएनए कौन सा था, बी डीएनए का दिया था, बी डीएनए का मॉडल दिया था। उसके कौन से स्ट्रक्चर को, सेकेंडरी स्ट्रक्चर को दिखाया था, सेकेंडरी स्ट्रक्चर को दिखाया था। ये पूछा जाता है क्वेश्चन में कि जो वाटसन और क्रिक सामने अपना मॉडल दिया था, डीएनए का मॉडल दिया था, उसमें कौन सा स्ट्रक्चर आप दिखाया गया था, तो उसमें बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर को दिखाया गया था। और वो कौन सा डीएनए था, वो बी डीएनए का स्ट्रक्चर दिखाया गया था, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, याद रखेंगे, क्वेश्चन आता है इससे। दिस मॉडल सेज, ये मॉडल क्या बोलता है, ये मॉडल क्या बोलता है, दिस मॉडल से डीएनए एग्जिट एज डुअल हेलिक्स, कि जो डीएनए होता है इसमें कैसे डुअल हेलिक्स की तरीके होता है। डुअल हेलिक्स का स्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ कि हेलिकल स्ट्रक्चर होगा, हेलिकल मैंने आपको ऐसे बताया था, इस टाइप के हेलिक्स पाए जाएंगे, है ना। इसमें जो बेस पेयर होंगे, है ना, नाइट्रोजन बेस होंगे, वो इनसाइड प्रोजेक्ट होंगे, इसके अंदर साइड में प्रोजेक्ट होंगे एंटी पैरेलल मैनर पे। ठीक है, आगे चल के मैं बताऊंगा। ठीक है, दिस मॉडल से डीएनए एग्जिट एज डुअल हेलिक्स, यानी ये मॉडल बोलता है कि जो डीएनए होता है वो डुअल हेलिकल फॉर्म में होता है, जैसे मैंने आपको ये बताया। ठीक है, इस तरीके का डबल हेलिकल मॉडल होता है। ठीक है, आगे क्या है, द टू स्टैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड आर एंटी पैरेलल, है ना। इसमें जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं वो दो न्यूक्लियोटाइड ऑफ पॉली स्टैंड के जो दो स्टैंड होंगे, एक ऐसे हुआ, ठीक है, और एक ऐसे हुआ, ऐसे और ऐसे जो हुए वो क्या होंगे, एंटी पैरेलल होंगे, एक दूसरे से एंटी पैरेलल होंगे, अपोजिट साइड में होंगे। ठीक है, इसका मतलब यही है, एंटी पैरेलल का मतलब होता है अपोजिट, क्या होता है, अपोजिट, यानी विपरीत दिशा में। ठीक है, रन टू अपोजिट डायरेक्शन, यानी अपोजिट डायरेक्शन पे वो रन करते हैं, क्या, टू स्टैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं, एंटी पैरेलल का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन पे वो रन करते हैं। आगे क्या है, द बैकबोन, बैकबोन जो बनी होती है वो किसकी, शुगर फास्फेट की बनी होती है। बैकबोन जो बनी होती है इसमें किसकी बनी होती है, शुगर फास्फेट की बनी होती है, यानी शुगर और फास्फेट से मिलकर क्या बनेगी, बैकबोन बनेगी, बैकबोन बनेगी। ठीक है, क्या बनेगी, बैकबोन बनेगी शुगर फास्फेट की। ठीक है, शुगर फास्फेट की चेन मिलकर बैकबोन बनाएंगी। ठीक है, आगे इसमें क्या दिया गया है, द नाइट्रोजन बेस आर प्रोजेक्ट मोर और लेस परपेंडिकुलर टू दिस बैकबोन बट फेस इनसाइड। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो नाइट्रोजन बेस होते हैं, नाइट्रोजन बेस क्या होते हैं, हमारे एडनिन ग्वानिन साइटोसिन यूरेसिल थाइमिन, ये होते हैं नाइट्रोजन बेस। अब इसमें भी दो कैटेगरी आ जाती हैं, कौन कौन सी कैटेगरी आ जाती हैं, अब उसमें होता है कि नाइट्रोजन बेस जो होते हैं उसमें प्यूरिन, क्या हुआ, प्यूरिन, अब इसमें प्यूरिन और पिरिमिडिन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। प्यूरिन क्या होती है, प्यूरिन में कौन कौन से आते हैं, एडिनिन और ग्वानिन जो आते हैं ये क्या आते हैं भाई, प्यूरिन में आते हैं। और पिरिमिडिन क्या होता है, पिरिमिडिन क्या होता है, पिरिमिडिन में क्या आते हैं, साइटोसिन यूरेसिल और थाइमिन, है ना, साइटोसिन यूरेसिल और थाइमिन ये आते हैं पिरिमिडिन में। जो हमारा प्यूरिन होता है, प्यूरिन होता है वो डुअल मेंबर रिंग होता है, कैसा होता है, डुअल मेंबर रिंग होता है वो प्यूरिन होता है, और जो सिंगल मेंबर रिंग होता है वो पिरिमिडिन होता है। ठीक है, अब इसमें भी कॉन्सेप्ट होता है कि प्यूरिन और पिरिमिडिन क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेस में आते हैं। सिंगल मेंबर रिंग क्या होता है, डबल मेंबर रिंग क्या होता है, जो प्यूरिन होती है वो डबल मेंबर रिंग होती है, जो पिरिमिडिन होती है वो सिंगल मेंबर रिंग होती है। आप समझ गए होंगे, आगे देखते हैं, द नाइट्रोजन बेस, यानी नाइट्रोजन बेस में प्यूरिन और पिरिमिडिन जो होंगे, एडिनिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन यूरेसिल, ये सब क्या होंगे, बेस प्रोजेक्ट मोर और लेस परपेंडिकुलर टू बैकबोन बट फेस इनसाइड, यानी इसमें जो ऐसे नाइट्रोजन बेस होंगे, एक स्टैंड ये हुआ, ठीक है, एक स्टैंड ये हुआ, ठीक है, एक स्टैंड ऐसे आएगा, तो इसमें जो नाइट्रोजन बेस होंगे अंदर की तरीके, अंदर की तरफ प्रोजेक्ट होंगे, इनसाइड अंदर की तरीके प्रोजेक्ट होंगे, बट परपेंडिकुलर होंगे, है ना, मोर और लेस परपेंडिकुलर ईच अदर, फेस इनसाइड मतलब अंदर की तरफ प्रोजेक्ट होंगे, राइट हैंडेड फैशन पे इसका हेलिकल जो होगा कॉल्ड होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, एडनिन एंड ग्वानिन, जो एडनिन और ग्वानिन होते हैं ये क्या होते हैं, प्यूरिन होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, एडनिन और ग्वानिन जो होते हैं ये क्या होते हैं, प्यूरिन होते हैं, एडनिन ग्वानिन जो होते हैं क्या होते हैं, प्यूरिन होते हैं, डबल मेंबर ये रिंग होती हैं, डबल मेंबर रिंग होती है इनकी। ठीक है, एडनिन एंड ग्वानिन ऑफ वन स्टैंड
कंपलसरी बेस पेयर है ना, एडिनिन और गुआनिन जो हैं कंपलसरी बेस पेयर हैं, ये क्या है, प्यूरिन है विद थाइमिन एंड साइटोसिन है ना। जो एडिनिन की लिंकिंग होती है, जो एडिनिन लिंक करेगा वो किससे लिंक करेगा, डुबल मेंबर से, डुबल मेंबर से किससे करेगा, थाइमिन से है ना। डुबल बॉन्ड होंगे इसमें, एडिनिन और थाइमिन के बीच में कैसे बॉन्ड होते हैं, एडिनिन और थाइमिन के बीच में डुबल बॉन्ड होते हैं है ना, दो हाइड्रोजन के बॉन्ड होंगे, एडिनिन थाइमिन से लिंक करेगा है ना। और जो गुआनिन होगा वो तीन बॉन्ड से, हाइड्रोजन बॉन्ड से ये साइटोसिन से लिंक करेगा है ना। और ये डीएनए के केस में होता है, एडिनिन और थाइमिन जो होता है डीएनए के केस में लिंक करते हैं, और अगर इसमें आरएनए का केस हो जाए तो एडिनिन के साथ में थाइमिन की जगह क्या आ जाएगा, यूरेसिल लिंक करेगा, बट लिंक करेगा दो हाइड्रोजन बॉन्ड से है ना। जो गुआनिन और साइटोसिन होते हैं ये डीएनए और आरएनए दोनों में कॉन्स्टेंट होते हैं है ना, ये तीन हाइड्रोजन बॉन्ड से ही लिंक करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं हमारे, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो हाई एनर्जी बॉन्ड होते हैं है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब ही होता है ये क्या होंगे, हाई एनर्जी बॉन्ड होंगे, कैसे होंगे, हाई एनर्जी बॉन्ड, इनकी एनर्जी जो होगी बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं ठीक है। आ क्या है, देयर आर टू हाइड्रोजन बॉन्ड एडिनिन एंड थाइमिन, एडिनिन और थाइमिन के बीच में क्या होंगे, दो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे है ना, एडिनिन और थाइमिन के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, और थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन गुआनिन एंड साइटोसिन, और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में क्या, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे ठीक है, मैंने आपको बता दिया था। आगे देखते हैं, ई स्ट्रैंड अपीयर लाइक ए हेलिकल स्टेयरकेस, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हेलिकल होता है, जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है वो कैसा दिखता है हमको, वो कैसा दिखेगा, स्टेयर केस जैसे आपने देखा होगा, स्टेयर केस के तरीके ठीक है, ऐसे स्टेयर केस के तरीके आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर होते हैं ठीक है, ऐसे सीढ़ी की नुमा स्ट्रक्चर होते हैं, एक दूसरे में रैप्ड होते हैं ऐसे ठीक है, स्टेयर केस के तरीके स्ट्रक्चर होगा ठीक है। ईच स्टेप ऑफ एसेंट इट्स रिप्रेजेंटेड बाई ए बेस पेयर है ना, जो एक होता है, एक इसका हेलिकल होगा ऐसे ठीक है, और एक हेलिकल इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा। अब इसमें जो एक हेलिकल होगा ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, इसमें जो नाइट्रोजन बेस होंगे प्रोजेक्ट इनसाइड, अंदर की तरफ इसमें प्रोजेक्ट होंगे, एडिनिन के साथ थाइमिन आएगा, गुआनिन के साथ साइटोसिन आएगा है ना, ऐसा होगा इसमें। और इसमें क्या है, आगे क्या बताया है? जो है इसमें ईच स्टेप एसेंट रिप्रेजेंटेड बाई ए बेस पेयर है ना, ये जो होता है एक बेस पेयर को रिप्रेजेंट करेगा है ना। ईच स्टेप एसेंट ऑफ द स्ट्रैंड, इनके बीच में जो वो होता है, इनके बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 36 डिग्री का एंगल होगा, 10 बेस पेयर होंगे तो टोटल एंगल हो जाएगा 360 का, कितना हो जाएगा, 360 का एंगल हो जाएगा। अगर 360 का एंगल है, 10 बेस पेयर हैं, हमको एक का एंगल निकालना है, तो हम क्या लिख देंगे, 360 बाई 10 बेस पेयर है, इससे कैंसिल कर देंगे तो एक एंगल आ जाएगा, 36 डिग्री का एंगल आ जाएगा, वही हमको इसमें बताया गया है ठीक है। द स्ट्रैंड टर्न, इसमें क्या है, ईच स्टेप एसेंट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए बेस पेयर है ना, एक बेस पेयर को रिप्रेजेंट करता है, ईच स्टेप एसेंट द स्ट्रैंड टर्न 36 डिग्री, क्या बताया इसमें कि जो एक होता है हेलिक का वो 36 डिग्री का होता है ठीक है। वन फुल टर्न ऑफ द हेलिकल स्ट्रैंड वुड इन्वॉल्व 10 स्टेप है ना, पूरा एक हेलिकल का जो टर्न होता है उसमें कितने स्टेप होते हैं, 10 स्टेप होते हैं, यानी बेस पेयर कितने होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं है ना, 10 स्टेप बोलो या 10 बेस पेयर बोलो ठीक है, 10 बेस पेयर होते हैं। अटेम्प्ट ड्राइंग ए लाइन डायग्राम है ना, जब लाइन डायग्राम मैंने आपको बताया था है ना, ऐसे बताया, ये जो होगा इसमें क्या होंगे, ये जो होंगे इसमें 10 बेस पेयर होंगे, यही इसमें बताया गया हमको ठीक है। आगे क्या है, द पिच वुड बी, इसमें जो पिच होती है वो क्या होती है, कितने एंगस्ट्रॉम की होती है, पिच जो होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम की होती है, कितने एंगस्ट्रॉम की होती है, 34 एंगस्ट्रॉम की होती है, पिच जो होगी वो 34 एंगस्ट्रॉम की होंगी, याद रखेंगे ये आपको मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में बहुत अच्छे से डीपली जाके बताऊँगा, फिलहाल यहाँ पर बताएंगे बहुत लेंथी हो जाएगा ठीक है। द पिच वुड बी, इसकी जो पिच होती है 34 एंगस्ट्रॉम की होती है। द राइट बेस पेयर वुड, इसमें जो बेस पेयर होते हैं वो कितने होंगे, बेस पेयर वुड 3.4 एंगस्ट्रॉम
है ना, यानी जो चौंतीस एंगस्ट्रॉम के होते हैं इसमें 10 बेस पेयर का बताया गया है। अब हमको एक बेस पेयर का निकालना है, तो इसमें 34 पॉइंट कितने होंगे, 10 एंगस्ट्रॉम हो जाएंगे, इसमें क्या आ जाएगा 3.4 एंगस्ट्रॉम एक का निकल आएगा। ठीक है, दिस फॉर्म ऑफ डीएनए विथ एवोब बेंसन साइलेंट फीचर इज कॉल्ड बी डी एन ए। ये सारे के सारे जो हमको बताए गए हैं ये किसके बताए गए, हमको बी डी एन ए के साइलेंट फीचर बताए गए हैं। किसके डी एन ए के, बी डी एन ए के। डी एन ए और भी टाइप के होते हैं ना, एक दर्जन से ज़्यादा टाइप के डी एन ए होते हैं, ए डी एन ए, बी डी एन ए, जो डी एन ए और टाइप के डी एन ए होते हैं, हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, बट फिलहाल हमारी एन सी आर टी में जो दिया गया है सिर्फ साइलेंट फीचर ऑफ बी डी एन ए के बारे में बताया गया है, जो कि वाटसन और क्रिक साहब ने हमने डिस्कवर किया था, है ना, उसके सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है, बी डी एन ए के साइलेंट फीचर को बताया गया है। ठीक है, इन हायर क्लासेस यू विल लर्न टोल्ड अबाउट देयर इज मोर देन ए डजन फॉर्म ऑफ डी एन ए नेम आफ्टर इंग्लिश अल्फ़ाबेट विथ यूनिक स्ट्रक्चर फीचर, है ना। ये हायर क्लासेज में हम पढ़ेंगे, इसमें एक दर्जन से ज़्यादा बी डी एन ए होते हैं, बट हमारी एन सी आर टी में सिर्फ बी डी एन ए के बारे में बताया गया है। ठीक है, बी डी एन ए के बारे में बताया गया है, मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, उनको क्या बताया गया, डायग्राम इंडिकेटेड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डी एन ए, है ना, डी एन ए के सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें जो होगा इसमें न्यूक्लिक एसिड में जो लिंकिंग होगी क्या थी, 5-3 हो रही थी, है ना, वही इसमें बताया गया दिखाया गया है, ये 5-3 की तरफ एरो जा रही है, यानी इसकी जो लिंकिंग होगी 5-3 होगी। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड में यानी डीएनए में। ठीक है, और इसमें ये थाइमिन एडेनिन गुआनिन साइटोसिन का इसमें हमको बॉन्ड लिंकिंग दिखाया गया है, क्या दिखाया गया है, जो थाइमिन है वो एडेनिन के साथ कितने बॉन्ड, ये जो डॉट डॉट दिखाए गए हैं हमको हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाए गए हैं, हाई एनर्जी बॉन्ड होते हैं, एडेनिन और थाइमिन दो डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं एक दूसरे से, है ना, और गुआनिन जो साइटोसिन होता है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू लिंक होता है। ठीक है, इसमें फॉस्फेट और हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिखाए गए हमको। ठीक है, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहाँ पे बनता है ना, किसके किसके बीच बनना था, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉस्फेट और उसके शुगर के बीच में, हाइड्रोक्सिल ग्रुप और शुगर के बीच में फास्फोस्टर बॉन्ड बन रहा था। ठीक है, तो फिलहाल इसमें इतना ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में बहुत अच्छे से आपको बताऊँगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन क्या मतलब बॉन्ड मोनोमर में पॉलीमर में बॉन्ड कैसे बनते हैं, है ना, उसकी लिंकिंग प्रोसेस सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, जब तक आप जुड़े रहिए मेरे से, टेक केयर, बाय बाय, यू हैव ए नाइस डे, इफ़ यू लाइक माय सेशन तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर माय वीडियो विद फ्रेंड, सो टेक केयर।